दिखावे के लिए कर रहा है उससे, और सच्चाई कुछ और ही है उसके पीछे। चाहे महिलाओं को लेकर वो तमाम दावे कर ले, चाहे पंजशीर को लेकर तमाम दावे कर ले, लेकिन केवल अपनी छवि सुधारने की उसकी कोशिश है। हालांकि उसको खुद सरकार चलाना भी ठीक ढंग से नहीं आता, इसीलिए वो जगह जगह से मदद भी मांग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और पंजशीर में जारी जंग के बीच गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों की तस्वीरें भी सामने आपको दिखाते हैं। ये दावा किया गया है कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे लोग तालिबान के लड़ाके हैं, जिन्हें एनआरएफ ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को कुछ लोग पानी पिलाते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, तालिबान जहां लगातार दावे कर रहा है वहां पर ये तस्वीरें, वो उसका ये दावा है कि पंजशीर के पूरे इलाके में अब उसने कब्जा कर लिया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इससे पहले निसार हमारे साथ जुड़े भी थे, अफगानी नेता हैं, उन्होंने भी सच्चाई बताई कि आखिर वहां पर सच्चाई क्या है। पंजशीर में जारी जंग के बीच गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों की ये तस्वीर है जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे जो लोग हैं वो तालिबान के लड़ाके हैं, जिन्हें एनआरएफ ने गिरफ्तार किया हुआ है, और गिरफ्तार किए गए लोगों को कुछ लोग पानी भी पिला रहे हैं। यानी कि जो पानी पी रहे हैं वो तालिबानी लड़ाके हैं, और इनको गिरफ्तार किया गया है एनआरएफ फोर्स द्वारा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में पैसों का अकाल है, ज्यादातर बैंक बंद हैं, और पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर लोग भूखे प्यासे लाइनों में लगे हैं। हालत यह है कि पैसे निकालने के लिए परेशान भीड़ बेकाबू हो रही है। तालिबानी आतंकियों के मिजाज को यहाँ हर कोई जानता है, इसके बावजूद पैसे निकालने के लिए अगर भीड़ बेकाबू हो रही है तो लोग अपने ही पैसे के लिए किस तरह परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नकदी के संकट को देखते हुए बैंकों ने एटीएम से कैश की निकासी सीमा को कम कर दिया है। ऐसे में अब अफगानी नागरिक एटीएम से केवल $200 तक ही नकदी निकाल सकते हैं। लगातार अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कब्जा हुआ है अफरा तफरी मची हुई है, और खासतौर पर ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं ये काबुल की तस्वीर है, जहां पर बैंकों के बाहर ये भीड़ आप देख सकते हैं, लोग अपने ही पैसे को निकालने के लिए किस तरह जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तालिबान का कब्जा है, लगातार तालिबानी लड़ाके गश्त कर रहे हैं वहां पर सड़कों पर, लेकिन उसके बावजूद अपने ही पैसे को निकालने के लिए अफगानी नागरिक किस तरह से परेशान दिख रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को पैसा निकालने का मौका नहीं मिल पाता है। अफगानिस्तान में लगातार चल रहे खूनी संघर्ष के बीच तालिबान सरकार के गठन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार के गठन से पहले तालिबान समर्थित एक मीडिया चैनल ने ऐसा वीडियो नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस वीडियो में तालिबान के उस गुरूर को दिखाया गया है जो अपनी ताकत के नशे में इस कदर चूर हो चुका है कि आत्मघाती दस्ते की भी खुलेआम नुमाइश कर रहा है। अफगानिस्तान में सत्ता से पहले शक्ति प्रदर्शन, कंधार में हथियारों की नुमाइश, तालिबानी ताकत का चौंकाने वाला वीडियो, अफगानिस्तान से आया ये वीडियो तालिबान के किसी आम जश्न का नहीं है। सत्ता को शिकंजे में कसने से पहले ये तालिबान के शक्ति प्रदर्शन का वो वीडियो है जिसने इस वक्त हर किसी को चौंका रखा है। तालिबान समर्थित अल हजरत मीडिया ने तालिबान लड़ाकों की ताकत की नुमाइश का ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को तालिबान की विक्टोरिया फोर्स सीरीज का नया संस्करण बताया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए तालिबान ने यह साबित करने की कोशिश की है कि कैसे तालिबान के कब्जे में आने के बाद अफगानिस्तान में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। वीडियो में जहां अमेरिका को अहंकारी ताकत बताया गया है, वहीं तालिबानी लड़ाकों की ताकत का बखान किया गया है। भले ही तालिबान इस तरह के शक्ति प्रदर्शन को महज एक जश्न के तौर पर बता रहा है, लेकिन जानकारों की राय इस मामले में बिल्कुल अलग है। वो अमेरिका और नेटो कंट्रीज को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, और अफगानिस्तान के अंदर जो उसके राइवल ग्रुप्स हैं, आईएसआईएस खुरासान जैसे आतंकी जो गुट हैं, उनको ये चेतावनी भी देना चाहता है कि तालिबान आज भी इस तरीके की शक्ति के माध्यम से उनके द्वारा पेश किए जाने वाले किसी भी चैलेंज का जवाब दे सकता है। किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह फिल्माया गया ये वीडियो कहां शूट किया गया है, इसका
ठीक ठीक पता नहीं लगा है, लेकिन वीडियो देखने में इतना जरूर पता लग रहा है कि किसी पहाड़ी इलाके में इस वीडियो को बनाया गया है। विजय उत्सव के तौर पर बनाए गए इस वीडियो के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे तालिबानी लड़ाकों ने 20 साल बाद सत्ताधारी अफगान सरकार और अमेरिका पर जीत हासिल की। खास बात यह भी कि इस वीडियो का अफगानिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर प्रसारण भी किया गया। इस वीडियो की शुरुआत एक समारोह के साथ होती है जिसमें तालिबान के सैन्य आयोग से जुड़े लोग मैदान में पहुंचते हैं। इस दौरान इन सभी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद तालिबान सैन्य आयोग के प्रमुख मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद सभी तालिबानी लड़ाकों को संबोधित करते हैं। इस दौरान मंच पर बैठे तालिबानी नेता, सैन्य अधिकारी और परेड में शामिल सभी लोगों की पहचान छिपाई जाती है। बताया जा रहा है कि इन छिपे हुए चेहरों में वो तमाम आतंकी भी हो सकते हैं जो लगातार अमेरिका और दूसरे मुल्कों के निशाने पर रहे हैं। ये लोग तालिबान के जो राइवल ग्रुप्स हैं, आईएसआईएस खुरासान के निशाने पर भी हो सकते हैं।